चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जो मेरी रूह को चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जिस हसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे हाँ वही बन गए हो तुम जिंदगी बन गए हो तुम जिंदगी बन गए गुड इवनिंग नमस्कार सत श्री अकाल आदाब आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन फाइव मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और ठीक 10 बजे जुम्मा रात को हम आपके साथ होते हैं
इसी अनोखे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम आपके साथ बात करते हैं दिल से दिलों तक की बातें। ये सफ़र बहुत जल्दी से सफ़र करते हैं हम, एक घंटे में दिल जहाँ पे दिल से दिल की बातें होती हैं। और ये सीज़न 5 आ गया है हमारा, और हम इस पूरे शो में बहुत सी बातें करते हैं, अपने लिसनर से जुड़ी हुई, अपने दोस्तों से जुड़ी हुई, कितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनसे जुड़ी हुई। और ऐसी बातें इस शो में होती हैं जो कहीं ना कहीं आपसे ही जुड़ के बात होती है, और आप जो कहना चाहते हैं वो शायद इस शो के माध्यम से कह पाते हैं। हमेशा की तरह ये आपके दिल की आवाज़ बन के रहा है पिछले 5 सालों से, या यूँ कह लें क्योंकि अब सीजन 5 चल रहा है, तो पिछले 4 सालों से जो प्यार आपका हमें लगातार मिला है, और इस साल भी प्यार मिल रहा है, और उसी की बदौलत कि हम आपके लिए हर साल कुछ नया करते हैं, और इस साल भी हमने कुछ नया किया है। और ये कैसा रहेगा पूरे साल, ये तो आपका प्यार और दुलार ही हमें बता पाएगा कि आप किस तरह से पूरे साल हमारे साथ रहने वाले हैं। चलिए जल्दी से बात करें कि आज का शो क्या खास लेकर आया आपके लिए। आज के शो की बात करें तो आज आपको क्या मिलेगा पूरे 1 घंटे में, आपको मिलेगा बहुत कुछ, और क्योंकि जैम पैक एपिसोड लेकर आए हैं इस बार हम, आपके सीजन 5 के सारे एपिसोड जैम पैक होंगे, यानी कि पूरा फुल टू फुल मस्ती, डिस्कशन और थोड़ी सी शरारत की बातें भी, सब कुछ आज हम करेंगे, और थोड़े थोड़े गंभीर भी हो जाएंगे। पूरे शो के दौरान आपको मिलेगा सबसे पहला सेगमेंट जिसका नाम है दिलवाला डिस्कशन। हमेशा की तरह इसमें कोई चेंज नहीं है, बस टाइम में चेंज हमने कर दिया कि अब आप हमारे साथ इस शो में जल्दी से जुड़ सकते हैं। उसके बाद एक बीच में हम आपको फीचर अपने जो हमने ऐड किया है मेरे मन की बात, उसमें भी आपको हम वक्त देते हैं कि आप अपने मन की बात रखें, या कुछ ऐसा, कई बार ऐसा होता है कि आप अक्सर सोचते हैं कि आपके मन में ये है और ये सब तक पहुंचना चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए, लेकिन आप पहुंचा नहीं पाते हैं। उसके कई रीजंस हो सकते हैं, चाहे रीज़न यही हो कि हमारे शो का टॉपिक को छोड़ो, तो हमने सोचा उन लोगों के लिए भी एक मौका मिले कि हम कुछ भी डिस्कस कर रहे हो लेकिन आप अपने मन की बात यहाँ पे रख सकें और उसको एक्सप्रेस कर सकें। और इसके बाद दूसरा सेगमेंट, ये जो मैंने आपको बताया मेरे मन की बात, ये हमारा छोटा सा फीचर है, और दूसरा जो फुल फ्लेज सेगमेंट है वो है लव बर्ड्स, जिसमें हम आपके लिए बुला के लाते हैं या इनवाइट करते हैं मैरिड कपल्स को या अनमैरिड कपल्स को, जो किसी भी तरह से एक रिलेशन में हैं, और मैरिड हैं या नहीं, कपल हैं और एक रिलेशन में, उनको इनवाइट करते हैं और उनसे एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। वो सेगमेंट भी आज आपको सुनने को मिलेगा, और ये होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट। अगर आप भी चाहें तो इस सेगमेंट में, अगर आप समझते हैं कि आप आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिल्कुल हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब क्या बचा, अब बचा कि आज के शो में आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप शो में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि भाई ये जो शो है ये है हमारा लाइव शो, यानी कि पूरा 1 घंटे का शो जिसमें लाइव शो चलता है, और आप हमारे साथ शो में यानी कि कॉल को ज्वाइन करके, ये कॉल पर आके या कॉल करके हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं, जैसा कि आप हमेशा लाइव शोज में करते हैं और इस शो में भी पहले करते आए हैं। आप कॉल कैसे कर सकते हैं, कॉल करने के लिए सबसे पहला और आसान तरीका, हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर जो इस पर्टिकुलर शो के लिए, वो है 9015173846। इस नंबर पे छोटी सी मिस कॉल दें और शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्कशन के दौरान आप लाइनें ओपन रहती हैं। इसके साथ साथ हमारी स्काइप आईडी radio.radio.udaan, इस पे भी आप हमें टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, छोटी मिस कॉल दे सकते हैं, मिस कॉल नहीं दें, स्काइप पे तो आप बिल्कुल कॉल करें, हमें स्काइप पे कॉल कर सकते हैं और शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो हमें फेसबुक पे ज्वाइन करें, फेसबुक पे हमारा दिल से दिल तक का पेज है और हमारा फेसबुक ग्रुप है, पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे अगर अपनी बातें आप पोस्ट करते हैं शो के दौरान तो वो बातें भी शो में शामिल होती हैं आपके लिए। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं एक और आसान तरीका, तो वो भी है मेरे पास, आप हमारे इसी नंबर है जो हमने आपको बताया 9015173846 व्हाट्सएप पे यूज़ करें, और हमें अपने टेक्स्ट मैसेज और वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं, वहाँ से भी आपकी बातें आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ उड़ान लाइव शोज हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है रेडियो उड़ान का, जिस पे आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट ड्रॉप करके अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं।
अब क्या बचा, अब बचा है हमारी वेबसाइट। जी हाँ, वेबसाइट पे भी हम ऑप्शन देते हैं आपको हमसे जुड़ने का, www.radiodan.com। फीडबैक सेक्शन में जाके आपको अपनी राय रखनी होती है। जैसे ही आप अपना मैसेज हमारे से पोस्ट करते हैं वो हमारे पास पहुंच जाता है, और ये हुआ अगर 11 बजे से पहले तो मतलब आपकी बात हमारे सुनने वालों तक पहुंचने वाली है। तो ये सारी बातें हमसे जुड़ने के लिए, और जुड़ना क्यों है, जुड़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि आज का हम जो डिस्कशन लेकर आए हैं वो है वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आज का डिस्कशन। हमने सोचा क्यों ना आपके लिए एक मज़ेदार डिस्कशन करें, आपके लिए थ्रिलिंग डिस्कशन हो सकता है ये। फॉलिंग इन लव ऑनलाइन, रोमांटिक और रिस्की, ये एक टॉपिक हमने आपके लिए ढूंढा आज और उस पर बात करेंगे आपके साथ। फॉलिंग इन लव ऑनलाइन मतलब किसी बंदे से आप मिले नहीं, ऑनलाइन किसी भी मोड से आप उनसे मिले और आपको लगा कि आप दोनों प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, ये बहुत रोमांटिक है या रिस्की है, दोनों बातें हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं वो आप हमें बता सकते हैं। ये बताने के लिए आपको हमें कॉल करना होगा हमारे स्काइप आईडी रेडियोडन RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 पर, और आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं प्ले करूंगा आपके लिए एक प्यारा सा, अच्छा सा, मज़ेदार गाना, और उसके बाद हम सीधा अपना डिस्कशन ओपन कर देंगे आपके लिए, जहाँ पे आप अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और ज़रूरी है कि आप अपनी बात करें, अपनी बात शेयर करें, हमें बताएं, ऐसे कोई भी आप हमारे साथ क्या कहना चाहते हैं वो शेयर करें। और टॉपिक आपको बता दिया है, फॉलिंग इन लव ऑनलाइन, रोमांटिक और रिस्की, ये रहा एक और प्यारा सा गाना आप सबके लिए।
वेलकम बैक आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 5। मैं हार जो नरेश कुमार वापस आ गया हूँ इस प्यारे से गाने के बाद, और अब हम आपके साथ अपने पहले सेगमेंट में हैं जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जिस टॉपिक जो हमने आपके लिए चूज़ किया वो यही कि फॉलिंग इन लव ऑनलाइन रोमांटिक और रिस्की। क्या आप किसी व्यक्ति से मिले, वो भी फिजिकली नहीं मिले, कभी आपने उसको देखा नहीं, कभी आपकी फेस टू फेस बातचीत नहीं हुई, आप किसी माध्यम से दोनों मिले, चाहे वो आपका कोई ऑनलाइन मीडियम हो या कुछ भी, लेकिन आपको लगा कि आप करीब आए, आप एक दूसरे को पसंद करने लगे, एक दूसरे को प्यार करने लगे, क्या ये बहुत रिस्की है या बहुत आसान है ऐसा होना कि आप बिना किसी को देखे बिना किसी से मिले, चाहे वो कि अगर आप ऑनलाइन मिलते हैं तो शायद वो वीडियो कॉलिंग हो सकती है या फिर वीडियो चैट हो सकता है, फोटोज़ हो सकती हैं और आपके बारे में बहुत सी बातें, लेकिन हकीकत क्या है ये शायद आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक आप बंदे से, किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठ के मिल लें या बात कर लें। तो ये ज़रूरी है ऐसे में जानना कि ये कितना थ्रिलिंग है। बहुत से लोग कहते हैं ये काफ़ी थ्रिलिंग है, और बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ये जो बात हम आपके साथ कर रहे हैं, ऑनलाइन का जो मोड है आजकल, ये बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है और हर इंसान इसे यूज़ करता है। और जिस यंग एज में या टीन एज में आप रिलेशंस की बात करते हैं, या वो जब उम्र का एक दौर आता है जब आप प्यार की, मोहब्बत या इश्क की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जब ये जो मीडियम्स हैं बड़े काम आते हैं, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से बातें करना, उनके बारे में सोचना, उनसे पूछना, उनके बारे में जानना, न जाने क्या क्या बातें होती हैं जो आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताना चाहते हैं एक दूसरे के लिए। तो ऐसे में कितना संभल के काम करना चाहिए, या यूं कहें ये कितना आसान है आज की डेट में, जहाँ पे आप एक व्यक्ति को प्यार करते हैं, एक जानते हैं किसी को जिसके साथ आप ये सोचते हैं कि आप एक रिलेशन में हैं, एक हेल्दी रिलेशन में हैं, और वो व्यक्ति आपसे लगभग कई हजार किलोमीटर दूर या कई सौ मीटर दूर बैठा हुआ है, और उसके बावजूद उस पर आप भरोसा कर रहे हैं, ये किस हद तक सच है या हकीकत है ये आपको सोचना होता है, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं होता। थ्रिलिंग हो सकता है लेकिन रिस्की भी उतना ही है। आप चाहें तो अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं हमें फेसबुक पे या हमारी वेबसाइट के फीडबैक सेक्शन के थ्रू, या फिर हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 9015173846, टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट, या हमारे स्काइप आईडी रेडियोडन RADIO UDAAN, हमें कॉल भी कर सकते हैं इन्हीं नंबर्स पे जो हमने आपको बताया, कॉल करें हमारी स्काइप आईडी या हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करके आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लाइनें बिल्कुल ओपन है। और ये ज़रूरी है कि आप इस बात पे राय रखें, अपनी बात बताएं, क्योंकि बहुत से लोग हमें इस टाइम ऐसे सुन रहे हैं जो इस दौर से शायद गुजर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इसका एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे, उनके ऑनलाइन रिलेशंस कैसे रहे। ये बहुत ऐसा मौजू है, ऐसी बात है जो शायद आप जानते और समझते तो हैं, लेकिन कितना आप इसको रिवील करना चाहते हैं, कितना आप बताना चाहते हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल आप कुछ सोचें, दिमाग में बातें तैयार करें उसके लिए, और तब तक मैं आपको एक प्यारा सा गाना और सुनाऊंगा, आपको फिर बात करेंगे उस प्यारे से गाने के बाद और क्या हो सकता है इस मौजू में जो हम आपके साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि ये रिस्की है या बहुत आसान है, कैसा है वो आप बता सकते हैं और सोच सकते हैं। मेरी तरफ से एक प्यारा सा गाना आप सबके लिए, सुने, इंजॉय करें और दिमाग और दिल को राजी करें हमसे बात करने के लिए। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा
थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो चाहेंगे तुझे, हम तो चाहेंगे तुझे जब तलक जान है बाकी। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 5। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और सेगमेंट चल रहा है पहला, जिसमें हम आपके साथ आज बात कर रहे हैं ऑनलाइन प्यार मोहब्बत जो भी हुआ। आप जब भी किसी रिलेशन में आए और आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल रहा या बहुत अच्छा चल रहा है, ये कैसा चल रहा है वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन क्या ये बहुत रोमांटिक है? बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये फील आता है कि ये बहुत थ्रिलिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कितना अमेजिंग है ना कि आप किसी से किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू या ऑनलाइन मोड के थ्रू मिलें, आपने एक दूसरे को जाना, थोड़ी बहुत बातें थोड़ी ज़्यादा बातों में बदल गई और उसके बाद जो बातें आपने शुरू की
वो कहीं उन बातों से जुड़ गई जो आपकी लाइफ से मिलती हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़ती हैं। आके आपने कुछ टाइम में ये डिसाइड भी कर लिया कि शायद आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, आप एक दूसरे के लिए बने हो सकते हैं, आप एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी या एक दूसरे की लाइफ शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। कितना इंटरेस्टिंग है ये और काफ़ी रोमांचकारी भी, यानी कि रोमांटिक भी है कि भाई अभी तक आप जिससे मिले नहीं हैं, आपके साथ उसके साथ आपने बहुत से वादे कर दिए। मूवीज़ में आप अक्सर ऐसा देखते हैं, नॉवल्स में, स्टोरीज में, बुक्स में आपको अक्सर इस तरह की चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं जहाँ पे इस तरह की बहुत सी कहानियाँ होती हैं और उनमें बहुत कुछ होता है। क्या ये हकीकत में या रियल लाइफ में भी होता है? ये एक बड़ा ही मुश्किल या ऐसा सवाल है जिसके बारे में शायद अभी तक हमारे लिसनर एटलीस्ट जो सुन रहे हैं हमें वो बताना नहीं चाह रहे, कम से कम उन्होंने तो अभी तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया ऐसा कि क्या ऐसा हो सकता है, और रियल लाइफ में अगर ऐसा होता है तो क्या वो पॉसिबल है। क्योंकि ये ज़रूरी है कि आप कितनी भी कोशिशें कर लें, अगर आपको कोई पसंद आता है तो आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आए, आप उसके साथ हो, वो आपके साथ हो, भले ये ऑनलाइन मोड हो या ऑफलाइन मोड हो। क्योंकि आज हम ऑनलाइन मोड की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन में भी ऐसा ही होता है, और बल्कि ऑनलाइन में तो किसी व्यक्ति के बारे में आपको जो भी कुछ पता चलता है वो काफ़ी हद तक अच्छा ही अच्छा होता है। उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं कि आप उसमें कुछ डिफरेंट कर सकते हो या अलग कर सकते हो, उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं, वो पॉसिबल ही नहीं होता। तो सब बहुत रोमांटिक और क्या बोलते हैं उसे, बॉलीवुड हॉलीवुड टाइप लगता है, सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा फील होता है आपको। और ऐसे में जब सब कुछ अच्छा फील होता है तो ये बात भी हकीकत है कि आपका अट्रैक्शन, आपका इन्फैचुएशन या आपकी समझदारी भी उसी तरफ जाती है जो आपको अच्छा लग रहा है। भले ये बात अलग है कि आप कुछ और सोचते हो उसके बारे में, आप कुछ और राय रखते हो। अब इतना ज़रूरी ये भी है कि क्या ये रिस्की है, इस पर आप सोच सकते हैं, हमें कॉल करें, हमारे स्काइप आईडी रेडियो डान RADIOUDAA N, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, इस नंबर पर भी आप अपनी बात रख के हमें बता सकते हैं कि भाई आप क्या महसूस करते हैं और क्या फील करते हैं। और आज का टॉपिक आपको पता ही है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका हमने बताया फॉलिंग इन लव ऑनलाइन, रोमांटिक और रिस्की, क्या होगा ये आप सोच सकते हैं, सोचें और बताएं हमें कि क्या राय रखते हैं। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और प्यारा सा गाना, इस गाने के बाद आपको मिलने को मिलेगा हमारा एक छोटा सा फीचर मेरे मन की बात, जो हम आपको अक्सर सुनवाते हैं, यानी कि सीजन 5 में हमने एक छोटा सा फीचर स्टार्ट किया है अपने इसी शो के दौरान, जिन लोगों को ज़रूरत है कि वो अपनी बात हमारे साथ शेयर करें, कुछ भी हमारे साथ बताना चाहते हैं, अपनी मन की बात, अपने दिल की बात, वो इस फीचर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए वही मीडियम्स हैं, हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, कॉल करें या इस नंबर को व्हाट्सएप के लिए यूज़ करके आप अपने रिकॉर्डिंग्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और रिकॉर्डिंग की खास बात ये कि आप जो चाहें वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपके मन की बात होनी चाहिए, आपके दिल की बात होनी चाहिए, और शायद कुछ ऐसा जिसको सुन के दूसरों को अच्छा लगे और दूसरों को कुछ सीखने को, समझने को मिल सके, तो वो आपका फीचर होगा मेरे मन की बात, वो आपको मिलेगा इस गाने के बाद। और देखेंगे कि आज कौन है इस फीचर में जो हमारे साथ अपनी बात शेयर करने वाला है। अभी ज़रूरी है कि एक प्यारा सा गाना आपके लिए, इस गाने को सुने, इंजॉय करें, मैं आऊँगा इस गाने के बाद वापस आपके पास। लगिया बारिशां ते सुके सुके सपने भी पिज गए, नैना लगिया बारिशां रोवे पलकां दे कोने विच नींद मेरी,
ਨੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਚੋਟ ਲਗੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਰੁੱਤ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਛਾ ਗਈ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਖਾਲੀ ਰਾਤੋਂ ਸੇ ਹੋਣੇ ਲਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਖੋਇਆ ਖੋਇਆ ਇਨ ਰਾਹੋਂ ਮੇ ਅਬ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਲੰਘਾ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਸਹਿਤਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਲੰਘਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੇ ਯੇ ਕਹਿਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੂੰ ਤੁਝੇ ਭੁਲਾ ਦਿਆ ਓ ਤੁਝੇ ਭੁਲਾ ਦਿਆ ਓ ਭੁਲਾ ਦਿਆ ਓ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦੋਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਰੁਲਾ ਦਿਆ ਓ ਮੁਝੇ ਰੁਲਾ ਦਿਆ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਰਾਤੋਂ ਸੇ ਹੋਣੇ ਲਗੀ ਹੈ ਦੋਸਤੀ ਖੋਇਆ ਖੋਇਆ ਇਨ ਰਾਹੋਂ ਮੇ ਅਬ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਲੰਘਾ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਸਹਿਤਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਲੰਘਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੇ ਯੇ ਕਹਿਤਾ ਰਹਿਤਾ ਤੁਝੇ ਭੁਲਾ ਦਿਆ ਓ ਤੁਝੇ ਭੁਲਾ ਦਿਆ ਓ ਤੁਝੇ ਭੁਲਾ ਦਿਆ ਓ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦੋਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਰੁਲਾ ਦਿਆ ਓ ਮੁਝੇ ਰੁਲਾ ਦਿਆ ਜੁੜਾ ਥਾ ਐਸੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਮੁੜਾ ਥਾ ਤੁਝਸੇ ਮੈਂ ਖੋਨੇ ਲਗਾ ਜੁਦਾ ਜੈਸੇ ਹੋਨੇ ਲਗਾ ਮੁਝਸੇ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਰਤੀ ਵਰਮਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਔਰਤੋਂ ਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੇ ਕਮ ਆਕਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਜੋ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਹੋਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮ ਆਕਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਲੋਕੋ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਘਰ ਮੈਂ ਪੜੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਕਾਮ ਕਰ ਲੇਤੀ ਹੈ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਸੰਭਾਲ ਲੇਤੀ ਹੈ ਕਰਤੀ ਕਿਆ ਹੈ ਯੇ ਔਰ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੋ ਕੋ ਯੇ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਯੇ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੇ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੋਮ ਮੇਕਰ ਕੋ ਇਤਨਾ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਕਿ ਲੋਕ
ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि एक होममेकर जो होती है अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को दे देती है। अगर एक औरत होममेकर है तो वो अपनी मर्जी से होममेकर है, ना कि इस वजह से कि वो कुछ कर नहीं सकती। कुछ टाइम पहले तक मैं भी एक होममेकर थी और मैं ये सारी चीज़ें फेस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती हूँ, अच्छे से कह सकती हूँ इसके बारे में, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है और मेरे को किसी ने बोला कि यू आर नथिंग, क्योंकि मैं एक होममेकर थी इसलिए मेरे को नथिंग बोला गया। जबकि ऐसा नहीं था कि मैं जॉब नहीं कर सकती थी, मैं अपने आप को प्रूव नहीं कर सकती थी। मैंने होममेकर इसलिए थी मैं क्योंकि वो मेरी अपनी चॉइस थी। होममेकर होना हमारी चॉइस है, ना कि हमारी मजबूरी। होममेकर एक औरत इसलिए बनती है क्योंकि वो अपने परिवार को अपना फुल टाइम देना चाहती है। वो चाहती है कि वो हमेशा 24 घंटे अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहे, अपने घर को अच्छे से संभाले, ना कि इस वजह से कि वो किसी लायक नहीं है, वो नथिंग है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जितनी रिस्पेक्ट एक वर्किंग वुमन की है, उतनी ही रिस्पेक्ट एक होममेकर की भी है। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप चाहे एक होममेकर हो, चाहे एक वर्किंग वुमन हो, सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबको बराबर का सम्मान देना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसी औरतों को भी देखा है जिन्होंने अपने परिवार को संभालने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, उनको अपना फुल टाइम देने के लिए अपनी बड़ी से बड़ी पोस्ट को ठोकर मार दी। तो मेरे ख्याल से तो चाहे वर्किंग वुमन हो, चाहे होम मेकर हो, सभी जो हैं वो बराबर के सम्मान की हकदार हैं और वो सम्मान उन्हें मिलना ही चाहिए। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक season 5। और अभी अभी आपने एक फीचर सुना हमारा जिसका नाम आपने पता ही चल गया आपको, मेरे मन की बात। और मेरे मन में आज हमारे साथ थी आरती, जिन्होंने अपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया लेकिन उन्होंने अपने मन की बात जरूर हमारे साथ शेयर की कि किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जो होम मेकर्स हैं या किस तरह की चॉइसेस है। और ये बात सच है कि कोई अगर लेडी या कोई भी फीमेल अगर वो होम मेकर है और आफ्टर बीइंग एजुकेटेड अच्छी खासी शिक्षित हैं और वो एजुकेटेड होने के बाद भी होम मेकर होना चूज़ करती हैं, तो ये उनकी कमज़ोरी नहीं है, ये उनकी चॉइस है। हर इंसान को अपनी चॉइस रखने का, अपनी चॉइस होने का एक बेनिफिट हमेशा मिलता है, चाहे वो मेल हों। और जब इस तरह का उनसे हम मेल अपनी चॉइस रख सकते हैं तो फीमेल्स क्यों नहीं रख सकते, ये एक बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा, और जिस पे अब बात की जा सकती है। और बहुत अच्छा लगा आरती आपकी ये बात सुन के जो आपने हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की और आपने बताने की कोशिश की कि बेसिकली ऐसा होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स कई बार लोगों को सामना करना पड़ता है। चलिए हम वापस हैं अपने पहले सेगमेंट के साथ जिसमें आपके साथ हम आज बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो लव अफेयर्स हैं या यूं कह लीजिए फॉलिंग इन लव ऑनलाइन, रोमांटिक और रिस्की, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं वो आप हमें बता सकते हैं हमारी स्काइप आईडी radio.radio.udaan या फिर हमारा ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846। कौन है हमारे साथ जो अपनी बात हमारे साथ शेयर करना चाहता है, पहली बार ये शो में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बताएंगे कि क्या राय है इस पूरे टॉपिक पे। हेलो हेलो, मैं रुकमणी राजस्थान से जी। लव रोमांटिक भी होता है, इसमें फीलिंग्स भी आती हैं, बट ये रिस्की भी होता है। ये रोमांटिक भी है और रिस्की भी है। रिस्की, अच्छा रोमांटिक क्यों है, मतलब आपने किसी बंदे को देखा ही नहीं आज तक, आपने उसे पता नहीं कैसा है, कैसा दिखता है, मतलब फोटोज तो नॉर्मली सब अपनी अच्छी अपलोड करते हैं या वीडियो कॉलिंग अगर आपने की हो तो, फिर कैसे मतलब क्या है उसमें? वो भी होता है, हमें कुछ पता नहीं होता, बातों से अट्रैक्ट हो जाते हैं और अच्छी लगती हैं बातें एक दूसरे की, तो ये रोमांटिक भी है, इसमें फीलिंग्स भी आती हैं, बट ये रिस्की है क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं। तो क्या क्या कहेंगे, मतलब रिस्की बहुत ज्यादा है कि रोमांटिक ज्यादा है, क्या अगर एक चूज करना पड़े तो? चूज करना पड़े अगर फेस टू फेस ना मिले तो रिस्की है, रुक्मणी कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि
आपने बहुत चैटिंग की हो, आप नहीं जानते किसी सामने वाले व्यक्ति को, तो कभी ऐसा होता है? नो, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ अभी। कभी कोई केस सुना हो ऐसा कुछ? नो, केस तो नहीं सुना। बट ये तो ये रुक्मणी है जो राजस्थान से हैं। रुक्मणी, कुछ बताने थोड़ा सा अपने लिसनर्स को, थोड़ा सा अपने बारे में। आज शो में मेरे ख्याल से आपने पहली बार पार्टिसिपेट किया है। हाँ, मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, मुझे टॉपिक अच्छा लगा तो मुझे लगा अपनी बात रखनी चाहिए, ये मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, कुल मिला के बस यही कहना चाहती हैं कि ये बहुत रिस्की है? हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट जब हम समझ तो रिस्की नहीं होगा। कोई सजेशन है मतलब किस तरह से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं? मतलब आप कह रहे हैं कि रिस्की भी है और रोमांटिक भी है, तो इसका जो रिस्क है उसको अगर खत्म करना हो तो कुछ सजेशन बता सकती हैं? कुछ आइडिया दिमाग में आ रहा हो? हाँ, जब बातें करें, मिलें एक दूसरे को, एक दूसरे को जाने, तो रिस्की खत्म हो सकता है। ओके, अगर आप कुछ ऐसा है कि अगर आप एक दूसरे को जान पहचानते हैं और बातचीत करते हैं तो उसके बाद मिलना बहुत जरूरी है, ऐसा कुछ? हाँ। ओके, तो रुक्मणी कह रही है कि भाई आप एक तो टाइम दें, जैसा वो कह रही है कि कुछ मिले जुले और बातचीत भी करें, तो थोड़ा सा टाइम भी दें एक दूसरे को, साथ में मिलना बहुत जरूरी है, फेस टू फेस बातचीत का होना बहुत जरूरी है। कोई और मैसेज जो आप अपने सुनने वालों को देना चाहें? आप सब अपना ध्यान रखिए, सोच समझ कर, सोच समझ के ध्यान रखें और सोच समझ के इस तरह के किससे रिलेशन में आए, वो कुछ ऐसा कहना चाह रही हैं। तो ये हैं रुक्मणी राजस्थान से जो हमारे साथ जुड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रुक्मणी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो बिल्कुल, ये थी रुक्मणी जिन्होंने अपनी बात रखी, और रिस्की तो है, क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं जानते हैं उसके बाद भी आप कुछ फैसला लेते हैं, और ये बात सच है कि आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, एक तो जानना पहचानना चाहिए, किसी भी रिलेशन में आने के लिए आप एक दूसरे को जाने पहचाने, तभी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ स्मूथ चले और बहुत अच्छी चले, तो ये हमारा टॉपिक। और अब एक और प्यारा सा गाना आपके पास आने वाला है, और गाने के बाद होगा हमारा आज का दूसरा सेगमेंट लव बर्ड्स, और लव बर्ड्स में आज कौन सा कपल होगा हमारे साथ वो भी देखना है अभी, तो वो आपको ज़रूर पता चलेगा। मैं सुना रहा हूँ आपको एक प्यारा सा गाना, और उस गाने के बाद हमारा दूसरा सेगमेंट, तो आपको पता ही है लव बर्ड्स, इसमें हम हर बार कोई कपल को इनवाइट करते हैं जो आते हैं, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और शेयर करते हैं अपनी लाइफ, उनकी कैसी चल रही है, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो या अभी मैरिज ना हुई हो, वो आप हमारे साथ वो शेयर करते हैं। तो आज देखेंगे कौन होगा गाने के उस पार जो अपनी बातें हमारे साथ शेयर कर रहा होगा। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ, मुझे भर ले अपनी बाहों में। है मेरी कसम तुझको सनम, दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। बरस बरस काली घटा बरसे, हम यार भीग जाएं इस चाहत की बारिश में।
मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। वेलकम बैक आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और यह है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 5। मैं हूं आरजे नरेश कुमार और वापस आ गए हैं आपके साथ अपने दूसरे सेगमेंट के साथ जिसका नाम है लव वर्ड्स। और ये सेगमेंट हमारा बहुत स्पेशल है जो हमने इस बार फीचर ऐड किया अपने इस शो में, क्योंकि हर वीक हम आपके पास कुछ एक कपल को लेकर आते हैं, कुछ को नहीं एक कपल लेकर आते हैं इस सेगमेंट में और उनसे बात करते हैं कि क्या चल रहा है आखिर। ये जो लव बर्ड्स आपने नाम बड़ा सुना है, क्या है एक्चुअली उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। और बेसिकली कपल जब शादी से पहले या शादी के बाद उनकी लाइफ कैसी है और कितनी इंटरेस्टिंग है। आज भी हमारे साथ एक कपल हैं, इनको आपने कई बार सुना होगा। आज इस सेगमेंट में पहली बार ये पार्टिसिपेट करेंगे हमारे साथ लव बर्ड्स सीजन 5 का एक और बेहतरीन सेगमेंट। हमारे साथ इस टाइम पंचकुला हरियाणा से शरद कुमार सिंह और बिन्नी गुप्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस लव बर्ड्स सेगमेंट में। सबसे पहले आप लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन दे दें, थोड़ा थोड़ा बताएं अपने बारे में अभी क्या कर रहे हैं और फिर उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे। और आपका रहता हूं, बड़ा मजा आता है। ये पीजीटी इंग्लिश है नवोदय विद्यालय में। और बिन्नी आप क्या करती है अभी? ओके, बिन्नी देना बैंक में है। और शरद लव बर्ड्स के नाम से सबसे पहले यही मन में आ रहा है मैं आपसे पूछूं कि कैसे बताएंगे कि जो आप दोनों हैं ये दोनों मैरिड हैं।
इसको मैं पता नहीं क्यों कहीं थोड़ा सा जैसे बहुत डर था बिल्कुल। लव बर्ड्स के बारे में पहले तो ये सुनने वालों को ये बता दें कि आप ये जो आपकी मैरिज है ये लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? अच्छा अरेंज मैरिज है। आजकल इंडिया में ये प्रोसेस रहा हुआ है कि अगर लव में मतलब होता है कि अगर आप भाग गए तो थोड़ा सा नेटवर्क वीक है इनका आज। भी हो गया और आगे भी होता है ना उस तरह की शादी हमारी है ना। ओके तो इनकी लव कम अरेंज मैरिज है और तो कैसे बताएंगे दोनों बेनिफिट इनको भी मिल रहे हैं। हमारे साथ जो पिछला कपल था उसमें भी ऐसे था कि दोनों को दोनों बेनिफिट थे लव और अरेंज के। तो शरद कुछ बताएंगे कैसे मिलना जुलना हुआ है, कुछ स्टार्टिंग कैसे हुई आखिर इस लव कम अरेंज मैरिज की? एक स्कूल में हम लोग पढ़ाते थे उस टाइम पर, एक स्कूल था हमारे पास तो हम लोग टीचर्स थे है ना। ओके ये दो टीचर ये भी थी मैं भी था तो वहां से बातचीत शुरू हुई। तो हाँ जी उस दौरान हम लोगों के बीच बातचीत शुरू हुई है ना। ओके और फिर बातचीत थोड़ी बड़ी फिर यहाँ तक पहुँच गई। बिन्नी कुछ बताना चाहेंगे उस टाइम की कोई बात कुछ इंटरेस्टिंग हो जो याद आता हो? नहीं बस उस समय का जो एक समय था वो बहुत अच्छा समय था कि बातचीत होती थी बैठते थे। तो उसके बाद मेरा एमए भी हुआ जिसमें काफी सपोर्ट रहा जी। दौरान मैंने मतलब कुछ टॉपिक्स वगैरह पढ़ती भी थी तो उसी से बातचीत हम लोगों की आगे बढ़ी बस। ओके तो ये मिलना जुलना है शादी से। और कितना वक्त लिया आप लोगों ने शादी के लिए? हम लोगों ने शादी के लिए कम से कम 3-3.5 साल का समय लिया। तीन से साढ़े तीन साल का वक्त लिया। शरद ये भी बताएं कि बिन्नी कह रही है कि वो टाइम बड़ा अच्छा था, अब का टाइम शादी के बाद अब लगभग 4-5 साल हो चुके हैं मुझे समझ में आया मतलब जो आप लोगों ने बताया उसके हिसाब से अब जो है जो टाइम है उसके बाद कितनी अंडरस्टैंडिंग है? मेरी सर अंडरस्टैंडिंग घर पूरी है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, शुरू से बनती ही है ना। खास तौर पर मैं अभी ये कह रहा था जो लव मैरिजेस को डिस्करेज करने की कोशिश की गई वो तभी होती है जब वास्तव में अंडरस्टैंडिंग ना हो। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है रोहित जी है ना। तो ये हमारे बीच में काफी अच्छा चल रहा है और बीच में शरीर की कुछ दिक्कतें आती हैं, रहती है बेटी होगी बच्चे होंगे तो थोड़ी बहुत समस्या आती है, वो एक जिम्मेदारी वाली बातें होती है ना। अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नहीं, एक जो अपने पर्सनल फीलिंग की बात होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। बिन्नी आपको कभी ऐसा लगता है कि बड़ी आम सी बात होती है लोगों के बीच में कि शादी से पहले और शादी के बाद लव मैरिज में डिफरेंस आ जाता है या चेंजेज आ जाता है और जो या पहले वाला जो चार्म होता है शायद वो नहीं होता, ऐसा कुछ होता है? मुझे अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है नरेश जी कि पहले वाला ये पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मुझे भी आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि देखिए जब हम किसी को पसंद करते हैं या किसी के लिए कोई फीलिंग रखते हैं तो वो फीलिंग तो एज इट इज सेम रहती है, लेकिन थोड़ा सा समय में शायद लोग इसलिए कहते होंगे कि समय में परिवर्तन आ जाता है क्योंकि पहले हम एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह मिलते हैं या लड़के मतलब यंग एज में होते हैं तो हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं होती, हमें पता है कि हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स बैठे होते हैं। लेकिन जब हम खुद मैरिज हो जाती है कपल बन जाते हैं उसके बाद हमें अपना घर खुद संभालना होता है तो हम उस स्टेज में आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी भी फैमिली बनती है बच्चे होते हैं। शायद इतने लोगों को लगता होगा क्योंकि फिर उसके बाद तो ठीक है जहाँ पे दो लोग हैं तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी बहस भी होती है, लेकिन उससे ऐसा नहीं कि कुछ फीलिंग में या काम में कोई फर्क आ जाता है। मुझे तो आज तक ऐसा नहीं लगा और फिलहाल मुझे नहीं लगता कि शरद जी को भी लगा होगा, तो हमें ऐसा कभी फील नहीं होता। हमें जब भी समय मिलता है तो हम लोग मतलब ऐसा नहीं है, एंजॉय हमारी लाइफ अभी भी वैसी है तो हमें इस चीज में कोई डिफरेंस लगता नहीं है और समझ भी नहीं आया कि लोग क्यों कहते हैं कि वो शाम खत्म हो जाता है।
चलो भाई, इनका तो सब कुछ ठीक चल रहा है। कुछ बातें जो थोड़े से इंटरेस्टिंग हो सकती हैं, बड़ी थोड़ा सीरियस टाइप डिस्कशन हो गया। अच्छा, अगर आप दोनों में लड़ाई होती है तो ज्यादा कौन बोलता है? ये लेक्चर मोड में आ जाते हैं, ये जो टीचिंग प्रोफेशन है उसका असर है। ठीक है, ये तो एक्सेप्ट कर लिया शरद ने कि वो बहुत जल्दी से मतलब लेक्चर मोड में आ जाते हैं, कि ज्यादा वो ही बोलते हैं। और एक और सवाल, अच्छा चलो मैं दोनों से पूछ लेता हूँ, कुछ कुछ शायद ये लोग बताएंगे। दोनों लोग, पहले बिन्नी आप बताएं कि शरद में ऐसी कौन सी बातें हैं, जो दो बातें जो शायद आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, आप चाहते हो चेंज हो जाए? दो बातें, एक तो टीचर गिरी को घर में अप्लाई करना। ओके, मतलब और वो अपने बच्चों के लिए सेव कर लो। दूसरा थोड़ा सा सोचना, कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि ये सोचते बहुत ज्यादा है। अच्छा, सोचते बहुत ज्यादा हैं, तो ये आप चाहते हैं कि चेंज हो जाए? ओके, बिन्नी अपना स्पेस ढूंढ, बिन्नी अपना स्कोप ढूंढ रही है कि उनको बोलने का मौका मिले और उनको भी सोचने का मौका मिले ज्यादा। शरद, दो बातें ऐसी, समझदारी होता है, इंटरेस्ट है, लड़कियां भी खूब होती हैं। जी, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि कई बार होता क्या है कि वो ना बिना सोचे समझे कुछ बोलती रहती है हमेशा, और मान लो किसी काम में आपका एक ही मिनट खर्च होना हो ना, तब भी 10 मिनट खर्च हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो एक तो ये की मतलब इंसान अपने आप को थोड़ा सा समझदारी पे रख दे और वो किसी बात को बोलने के लिए पहले सोच समझ ले कि हाँ क्या है क्या नहीं है, सिर्फ ऐसे बोलने के लिए ना बोले, एक बात ये है। दूसरी बात जो मुझे बुरी लगती है बिल्ली, वो ये लगती है कि वो भी ना परेशान बहुत होती है किसी के ना किसी इशू पे आके, है ना, चाहे किसी का भी इशू हो, है ना। ठीक है, वो परेशान बहुत हो जाती है कई बार, है ना, तो मतलब इशू चाहे किसी का भी हो, है ना, तो परेशान बहुत ज्यादा हो जाती है। ओके, बिन्नी परेशान बहुत जल्दी हो जाती हैं और कई बार बोलती ज्यादा हैं किसी इश्यू को लेकर, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो शरद ही बोलते हैं। ठीक है, ये दो बातें हो गई जो दोनों ने अपने एक दूसरे के साथ चाहते हैं कि चेंज हो जाएं। अच्छा, इसके साथ साथ दो दो ऐसी बातें भी बताएं अपने बारे में, दूसरे के बारे में, पार्टनर के बारे में, जो आपको लगता है कि सबसे अच्छी चीज बस वही है। सबसे अच्छी चीज केयरिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, केयरिंग है और वो मेरे यानी सबके लिए, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हूँ, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए भी केयरिंग है कि उस बच्चे का ऐसे है तो कैसे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, हर एक के लिए केयरिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि अगर कहीं घूमने जाना है या कुछ है तो फुल्ली एंजॉय, मतलब बहुत जो करना है खुल के करो, ये नहीं कि अपनी किसी उसको इच्छा को दबाना है या कुछ करना है, फुल्ली एंजॉय करते हैं हम लोग कहीं जाते हैं। ओके, लाइफ को पूरा एंजॉय करते हैं, जिस मोमेंट में जहां रहते हैं वहां पे हो जा, खुल के रहते हैं। ओके, शरद आपका डर? देखिए, मेरा हालांकि पॉइंट कुछ अलग है, फिर भी थोड़ा सा लगता हूँ कि मुझे क्या अच्छी बात लगी उसकी। अच्छी बात उसकी ये है कि ये चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब थोड़ा सा परेशान भी होती है ना कई बार, तो भी मतलब ये अपने घर को नहीं छोड़ती, खाना खिलाना है, बच्चे को देखना है, मतलब परेशान रहती है, इन द सेंस की केयरिंग, जो केयरिंग नेचर तो है, वो पॉइंट तो है, उसपे नहीं बोलूंगा। तो मैं एक यूनिक पॉइंट उसका बताऊंगा, यूनिक पॉइंट ये है कि ये जो है ना सभी जगह हट के अपना ये सोचती है कि जो हम लोग यूनिक व्यक्ति है अगर, है ना, तो कैसे हम अपने आप को नॉर्मल सोसाइटी में एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, है ना, इनोवेशन क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये मुझे बताती रहती है हमेशा, है ना। और दूसरा, दूसरा ये है कि ये मुझे हमेशा ये कहती रहती है कि नरेश के साथ घूमने जाओ। ओके, वेरी गुड। तो घूमना बड़ा इम्पोर्टेंट है लाइफ, दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा लगता है जानके कि जब भी आप एक लव मैरिज से
एक लव अफेयर से, रिलेशनशिप कपल, मैरिड कपल में आ जाते हैं और उस लाइफ को भी आप उतना ही इंजॉय करते हैं, क्योंकि बड़ा लोगों के मन में ये बात रहती है कि क्या लव मैरिज सक्सेसफुल होती हैं। अच्छा शरद और बिन्नी, आप दोनों चलते चलते एक मैसेज आपको देना चाहें, एक एक छोटा छोटा मैसेज जो आप सभी सुनने वालों को और बताएं कि लव अफेयर में हैं, अगर आप रिलेशन में भी हैं, शादी के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कुछ ऐसा ही, या फिर कोई कोई मंत्र देना चाहते हो? पहले मैं मैसेज देता हूं, उसके बाद बिन्नी देगी। मैं आपको बोलता हूं, मैं सभी अपने जो लिसनर्स हैं जो भी होंगे, मैं कहता हूं कि देखिए लव मैरिजेस जो है बुरी नहीं होती है, इसमें कोई शक नहीं है कि कई बार हम इंडिया में इस बात को थोड़ा समझा गया है कि लव मैरिज गलत होती है या कुछ ऐसा कुछ धारणा होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पर इसके लिए चाहिए क्या कि लव मैरिजेस का जो टाइम होता है ना, देखिए लव मैरिज एक साल या दो साल में नहीं हो सकता जी। जो मैंने फील किया है, अपनी बात बताऊंगा, अगर आपका रिलेशनशिप 5-7 साल पुराना हो है ना, तब तो फ्लरिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका संबंध सिर्फ 1 साल या 2 साल ही पुराना हो केवल है ना, तो दिक्कत रह सकती है लव मैरिज, मतलब वो मैं बोल रहा हूँ। अदरवाइज आप अगर किसी इंसान से मिले हुए हैं, आपके साथ है, आपके अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि मतलब वो फेल हो जाए। मतलब ये तो लव मैरिज फेलियर का जो केस है वो इसीलिए है कि वो कई बार वो लव नहीं होता सर, है ना, वो लव नहीं होता, लस्ट होता है, लस्ट और अट्रैक्शन, और उसमें भी अंतर होता है ना। तो मतलब होता है कई बार, है ना, कई बार हम अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी से, है ना, तो एक दूसरे को इनफ टाइम दें समझने के लिए और एक दूसरे को जानने के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम में कोई डिसीजन ना लें। बिन्नी, आपका मैसेज? सपोर्टर कह लो या कुछ भी कह लो, लव मैरिजेस की तरफ ही ज्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे ये लगता है कि जब तक आप एक इंसान को अच्छे से जान नहीं लेते, आपको सडनली कहा जाए कि जाओ आपको उसके साथ मैरिज करो रहना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। एक इंसान के साथ लाइफ बिताने के लिए पहले उसे अच्छे से जानना पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो तभी हम ऐसा नहीं कि भाई ठीक है पेरेंट्स ने, हम मैं ये नहीं कहती कि पेरेंट्स गलत हैं, पेरेंट्स भी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली मेरी ये फीलिंग है कि जब तक हम किसी इंसान को जानते नहीं पहचानते नहीं, हम नहीं जब तक नहीं कर सकते मैरिज। जब हम किसी को जानते हैं अच्छे से समझ लेते हैं, ये पॉइंट शरद जी का सच में से मैच करेगा कि भाई हमें समय लेना चाहिए इसके लिए कि हम उस इंसान को अच्छे से समझ पाए। नहीं तो एक रिश्ते को टाइम चाहिए होता है, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल होता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से पहले जब तक हम किसी को जानते नहीं है तो नहीं होना चाहिए ऐसा। और लव मैरिजेस जो है सक्सेसफुल है आज की डेट में, बहुत लोग समझदारी से करते हैं इस चीज को, तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, तो दोनों इस बात पे सहमत हैं, अग्री करते हैं कि आप एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को जाने पहचाने, उसके बाद अपना डिसीजन पक्का करें, कंफर्मेशन दें उसकी। तो शरद और बिन्नी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि इतना वक्त दिया और बात की हमारे साथ, और इतने बेबाकी से अपने बल की बातें आप लोगों ने हमारे साथ, हमारे सुनने वालों के साथ शेयर की। हम आपको विशेष देते हैं, दुआएं देते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ और लव कम अरेंज मैरिज यूं ही चलती रहे। थैंक यू सो मच तो भाई ये था हमारा लव बट का सेगमेंट, और ये थे शरद और बिन्नी जो हमारे साथ पंचकुला हरियाणा से इस टाइम जुड़ रहे थे और हमारे साथ बातें कर रहे थे। थोड़ा सा नेटवर्क वीक होता है, आपको मालूम है कि कनेक्टिविटी का कई बार इश्यू आता है, लेकिन जितनी बेबाकी से इन्होंने अपने बल की बातें रखी, अपनी बातें शेयर की, अपने बारे में बताया, अच्छा लगा कि लोग लव मैरिज में इतना कम्फर्टेबल हैं और सक्सेसफुल कहते हैं कि, और ये जो धारणा है कि लव मैरिज इतनी सक्सेसफुल नहीं होती, वो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो आपकी, और जो आपके जो आप एक दूसरे को जो समझते हैं, जो आपने एक दूसरे को वक्त दिया है, अगर उसमें सब कुछ ठीक बैठ जाए, तो ऐसे कोई वजह नहीं होती कि आप एक अच्छी मैरिड लाइफ को इंजॉय ना करें। बहरहाल ये था हमारा आज का दूसरा सेगमेंट लव बर्ड्स, और अब बारी आ गई है कि मैं आपसे कहूँगा टाटा बाय बाय। लेकिन इससे पहले
शरद और बिन्नी ने हमसे जो एक गाना रिक्वेस्ट किया था, दोनों ने एक दूसरे के लिए डेडिकेट किया, वो गाना हम आपके लिए चलते चलते प्ले करेंगे। और उम्मीद है आज का शो, चाहे लव बर्ड्स हो, हमारा फीचर आरती ने जो आज प्रेजेंट किया मेरे मन की बात और हमारा दिल वाला डिस्कशन फॉलिंग इन लव ऑनलाइन रोमांटिक और रिस्की, तीनों आपको बहुत पसंद आए होंगे। अपने फीडबैक हमें सेंड कर सकते हैं हमारी स्काइप आईडी radio.radio.udaan या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846। इसके साथ साथ वेबसाइट विजिट करें www.radio.com। फीडबैक सेक्शन में भी जाके आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और आपका फेवरेट दिल से दिल तक सीजन 5 के सारे एपिसोड्स आपको मिलने वाले हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब पे आप हमें सर्च कर सकते हैं दिल से दिल तक विद आरजे नरेश और वहाँ पे आपको सारे हमारे वीडियोस, शोज के लेटेस्ट वीडियो और कुछ पुराने वीडियोस भी आपको मिलेंगे। वहाँ पे आप अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं शो के बाद। अगर आज आपने शो सुना, शो में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल हमारे वीडियोस पे कमेंट पोस्ट कर सकते हैं। अब बारी आपसे विदा लेने की इस प्रॉमिस के साथ कि नेक्स्ट थर्सडे को जुमरा ठीक 10 बजे आपके साथ इसी शो में मिलूंगा फिर से और कुछ नया टॉपिक, नया मौजू, नए लव बर्ड्स और नया फीचर लेकर आएंगे। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो डॉन फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। I'm
तारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा।